हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। और आज ये थर्ड ब्लॉग मैं बना रही हूँ। थर्ड डे है माता जी का। मैंने जोत लगा दी है और भोग भी चढ़ा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं करूंगी खाने की तैयारी। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल गरम कर दिया है, थोड़े से कढ़ी पत्ते, जीरा, अजवाइन, इनके चटकने के बाद अब हम इसे ऐड करेंगे टमाटर, लहसुन, प्याज। हम नवरात्रि में नहीं खाते इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। टमाटर थोड़े से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर उसमें मैं बॉयल्ड आलू डालूंगी मैश किए हुए। इनको भी अच्छे से हम पकाएंगे ताकि हल्के ब्राउन से हो जाएं। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला पकने तक हम इस सब्जी को पकाएंगे। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। देखिए मसाला पक चुका है, मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे, क्योंकि हमारे आलू भी पके हुए हैं। देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी है, रोटियां भी मैंने सेक ली हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की प्लेट लग गई है। मैंने ये बूंदी का रायता, रोटी और सब्जी, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, इनको मैं भोग लगा दूंगी। इनको भोग लगाने के बाद ये मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ माता रानी को भोग लगाने की। मैंने 2 आलू बॉईल करके इनको अच्छे से मैश कर लिया था। या तो मैश कर लीजिए या आपके पास कोई ग्रेटर हो तो उससे कद्दूकस से घिया कस कर लीजिए। बस इसमें अब ऐड करूँगी मैं राजगिरा का आटा 1 चम्मच और सिंघाड़े का आटा 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अगर आपके पास हरी मिर्ची है तो हरी मिर्ची खाना चाहे तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनती हैं। ये मैंने तेल गरम कर लिया है और छोटी छोटी ऐसे बना के हम इन पकौड़ी बना लेंगे जो कि व्रत में खाई जाती हैं। ये देखिए मैंने सारी पकौड़ी इसमें छोड़ दी हैं। आलू, राजगिरा और सिंघाड़े का आटा तीनों को मिक्स करके बनाया है मैंने। ये देखिए इनको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती हैं। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारी सारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हैं। एक प्लेट में हम अलग से निकाल लेंगे इन सबको। अब मैं 2 चम्मच घी ऐड किया है, उसमें मैंने जीरा डाला है, मूंगफली। ये मैं दूसरी रेसिपी बना रही हूँ। मूंगफलियों को हल्का सा चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें बॉइल्ड आलू डाल देंगे। और ये मेरे चैनल पे मैंने भेज भी दिया है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। अब इसमें मैंने काला नमक, काली मिर्ची, अगर हरी मिर्ची भी ऐड करना चाहें वो भी कर लीजिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया है। इन सबको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आलूओं को फ्राई करेंगे। ये झटपट से हमारा खाना रेडी हो गया है।
ये देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया माता रानी को भोग लगाने के लिए। और मैंने चटनी नहीं बनाई, मैंने थोड़ा सा सॉस डाला था। और ये देखिए शाम की पूजा हो रही है, मैंने दीपक लगाऊंगी और कपूर लगाऊंगी और माता रानी को भोग लगाऊंगी। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती हैं। बाय बाय, जय माता दी।